हेलो बच्चों, मैं आपका अपना अमित सिंह। बेसिकली 10th आईसीएसई का एक छोटा चैप्टर है, सेक्शन फॉर्मूला। हम उसपे वन शॉट रिवीजन कह सकते हैं। बेसिकली उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला होता क्या बच्चों? सबसे पहले हमें प्लेन में कोई दो पॉइंट दिए होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्लेन में सपोज मेरे पास दो पॉइंट दिए, ठीक है। एक पॉइंट ए दिया है और सेकेंड पॉइंट बी दिया है। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। पॉइंट ए गिवन है एंड पॉइंट बी गिवन है, राइट। सो पॉइंट ए गिवन है मींस इसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, एक्स वन कॉमा वाई वन एंड दिस इज एक्स टू कॉमा वाई टू। ये दो पॉइंट्स गिवन होंगे आपको बच्चों। सेक्शन फॉर्मूला ये बताता है कि हमें दो पॉइंट ए एंड बी गिवन थे, उस लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट सी के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने, एंड दिस इज डिवाइडिंग ए एंड बी इन द रेशियो सपोज एम वन टू एम टू, ठीक है। क्या हो रहा है बेसिकली? दो पॉइंट ए एंड बी गिवन थे, हमने ए एंड बी को ज्वाइन किया। ए एंड बी को ज्वाइन करने के बाद हमें उस लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट सी चाहिए, एक पॉइंट सी चाहिए, एंड दैट सी इज डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो एम वन इज टू एम टू। हमें क्या क्या गिवन है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। आई रिपीट, पॉइंट ए इज गिवन, पॉइंट बी इज गिवन, एंड दिस रेशियो इन विच सी डिवाइड्स ए बी दिस इज गिवन। रेशियो गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, वी नीड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी, दिस इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो अब इस सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं मैं आपको वो बताने वाला हूं, राइट। सो सुनिए, हम क्या करते हैं, इन शॉर्ट इसको एज्यूम कर लेते हैं कि लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी इज कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई, राइट। अब ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हमें निकालना था, दिस इज द टारगेट, दिस इज द मोटिव। हमें क्या निकालना है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। सो कैसे निकालते हैं, दिस इज शॉर्ट ट्रिक। ऐसे क्रॉस लिखते हैं, एम वन को एक्स टू के साथ एंड एम टू को एक्स वन के साथ। सो एक्स इज बेसिकली एम वन एक्स टू, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी। नाउ कैलकुलेट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट सी। सिमिलरली एम वन मल्टीप्लाई विद वाई टू, सो एम वन वाई टू एंड एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। सो बेसिकली हमें एक्स और वाई मिल गया, हेंस हम कह सकते हैं कि जो सी है, जो हमें चाहिए था पॉइंट सी, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने एक्स कॉमा वाई एज्यूम किए थे। सो सी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। ये तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, एंड वाई कोऑर्डिनेट इज एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। ये वाई कोऑर्डिनेट, राइट। सो हमने बेसिकली क्या किया, हमने पॉइंट सी एज्यूम कर लिया एक्स कॉमा वाई। अब एक्स और वाई की वैल्यू ऐसे निकालते हैं, ये निकाल लिया। अब एक्स कॉमा वाई हमने एज्यूम किया था सी के कोऑर्डिनेट, सो अभी हमने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू, एंड हेंस इट इज द फॉर्मूला, इट इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला, जिससे हम पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज ये हो गई बच्चों, हम इसको नोट वन बोल सकते हैं। बेसिकली दिस इज फर्स्ट पॉइंट जो आपको नोट करना चाहिए, ठीक। सेक्शन फॉर्मूला का फर्स्ट पॉइंट इट इज नेसेसरी टू नोट डाउन। एंड सेकंड थिंग जो यहीं से आता है, सेकंड नोट, उसको हम बच्चों बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला। यही से डराइव होता है, कहां से डराइव होता है, यही से, ये सेक्शन फॉर्मूला से ही हम मिड पॉइंट फॉर्मूला डराइव करते हैं। अब इसमें ये स्पेशल केस है इसका, सेक्शन फॉर्मूला का। कैसे, अगर मैंने पॉइंट ए लिया
मतलब ए गिवन है सपोज एक्स वन कॉमा वाई वन एंड बी इज गिवन इट इज एक्स टू कॉमा वाई टू, देन हमें इस ए बी का मिड पॉइंट चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए सपोज इट इज एम, और हमें इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने, क्या लिखने, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस मिड पॉइंट, ठीक है। तो रेशियो बेसिकली क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 1:1, ये जो एम है इट इज मिड पॉइंट, सो ये ए बी का, ये ए बी को 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है। हमें क्या गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, और ये मिड पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स निकालने, सो वी एज्यूम दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम इज अल्फा कॉमा बीटा, टारगेट है ये अल्फा और बीटा कैसे निकालना, एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन अगर मैं यहां पे सेक्शन फॉर्मूला लगा दू फिर से, तो 1 × x2 अल्फा कैसे आएगा, 1 × x2 एंड 1 × x1 अपॉन 1+1, एंड सिमिलरली फॉर वाई कोऑर्डिनेट हम क्या करेंगे, बीटा के लिए 1 × y2 1 × y2 प्लस 1 × y1 अपॉन क्या करेंगे, m1+m2 होता था सेक्शन फॉर्मूला में, सो इट इज 1+1। सो यहां से मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, अल्फा क्या आ गया, x2+x1 डिवाइडेड बाय 2, एंड बीटा क्या आ गया, दिस इज y2+y1 डिवाइडेड बाय 2, एंड हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट जो मैंने अल्फा कॉमा बीटा एज्यूम किए थे वो मैंने कैलकुलेट कर लिए, इट इज अल्फा की वैल्यू कितनी है, x1+x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1+y2 डिवाइडेड बाय 2। सो बेसिकली हम सेक्शन फॉर्मूला से ये डराइव नहीं करना है, बेसिकली हमें ये चीज याद करनी, ये चीज याद करनी, दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। कहां से आता है, अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला में इस m1:m2 की जगह अगर मैं 1:1 रख दूं तो पॉइंट m विल बी मिड पॉइंट एंड ये अपने आप इसमें कन्वर्ट हो जाता है, सो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है जो बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला से डराइव होता है, ठीक है। आगे हम क्या कर सकते हैं, एक और इसका एप्लीकेशन है बच्चों, मैंने फर्स्ट नोट बताया सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, सेकंड पॉइंट मैंने ये बताया कि इसी का इन ऑर्डर टू ऑब्टेन वन नेक्स्ट फॉर्मूला इट इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है वो ऐसे डराइव होता है, ये फॉर्मूला है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक। इसके बाद एक और इसी सेक्शन फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, एंड इस थर्ड नोट बोल सकते हो या थर्ड पॉइंट बोल सकते हो इसमें इंपॉर्टेंट, सेंट्रोइड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब सेंट्रोइड होता क्या है, पहले तो सेंट्रोइड में बता दूं होता क्या है, तो अगर मैंने कोई ट्रायंगल बनाया बच्चों आपको सुनना है ध्यान से, पहले मैं सेंट्रोइड का मीनिंग बता दूं, व्हाट इज सेंट्रोइड, इसका मीनिंग बता दूं, ए है एक पॉइंट, एक बी है और एक सी, वर्टाइसेस है ट्रायंगल के, अगर मैंने ए से एक मीडियन निकाला, मीडियन थ्रू ए, एक मैंने मीडियन निकाला दिस इज मीडियन वन, एक मैंने मीडियन निकाला कहां से, थ्रू वर्टेक्स बी, अभी मैंने एक मीडियन निकाला सी से, दिस इज मीडियन थ्री। किसी भी ट्रायंगल में हम तीन मीडियन निकाल सकते हैं, इन तीनों मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोइड, इसको सेंट्रोइड बोलते हैं। मैंने फिर से बता दूं आपको, एक ट्रायंगल के अंदर तीन मीडियंस निकाल सकते हैं, उन तीनों मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पे तीनों मीडियंस मीट करते हैं उस पॉइंट को हम सेंट्रोइड बोलते हैं, एंड उस पॉइंट को यूजुअली लोग जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। अब इसका रोल क्या है, मतलब हमने यहां क्यों लिखा, ये यहां इसलिए लिखा बच्चों कि हमें ए पता होगा
एक्स वन मतलब वर्टेक्स वर्टाइसिस पता होंगे, बी पता है एक्स टू कॉमा वाई टू, और सी भी पता होगा एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री। हमसे ये बोला जाएगा ए दिया होगा ट्रायंगल का, मतलब ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स एंड सी के कोऑर्डिनेट्स। हमसे बोला जाएगा फाइंडिंग सेंट्रोइड, मतलब सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने का जो फॉर्मूला है, दिस इज बेसिकली एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइडेड बाय थ्री एंड वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइडेड बाय थ्री। ठीक, ये हो गया। अगर हमें ए दिया होगा, बी दिया होगा, सी दिया होगा, तो जो सेंट्रोइड है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइडेड बाय थ्री। इस सेंट्रोइड का वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइडेड बाय थ्री। सो बेसिकली हम सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं इफ वर्टाइसिस आर गिवन इन अ ट्रायंगल, राइट। ये चीज हो गई। ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला से आते हैं। सो मैंने सेक्शन फॉर्मूला बताया, देन मिड पॉइंट फॉर्मूला बताया, देन हाउ टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड इफ द वर्टाइसिस आर गिवन। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों अभी हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा, सो सेक्शन फॉर्मूला पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसका एप्लीकेशन कैसा होता है, तो उस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन में जस्ट मैं आपको इंफॉर्मेशन जो कि बने वो बता देता हूँ। मैं कंप्लीट क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट आपको ये बता देता हूँ कि क्या क्या गिवन होगा और अपन को क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट द डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी। ओके, सो क्वेश्चन वन बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला, क्वेश्चन वन बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला, एक पॉइंट पी गिवन है एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज 5 कॉमा माइनस टू एंड सेकेंड पॉइंट क्यू गिवन है एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज 9 कॉमा 6। ठीक है, हमें P एंड Q दो पॉइंट दिए हैं और ऐसे ज्वाइन कर देता हूं, P यहां दिया और Q यहां दिया। P इज 5 कॉमा माइनस टू, Q इज 9 कॉमा 6। P गिवन है, Q गिवन है, हमें एक पॉइंट चाहिए जिसको मैं R बोल दे रहा हूं, इस डिवाइड्स लाइन सेगमेंट पी क्यू इन द रेशियो 3:1, इन द रेशियो 3:1। हमें इस R के, हमें ये पॉइंट R के कोऑर्डिनेट चाहिए, यही सेक्शन फॉर्मूला होता था। हमें एक पॉइंट P गिवन है, एक पॉइंट Q गिवन है एंड रेशियो गिवन है, कौन सा रेशियो, R P एंड Q को 3:1 रेशियो में डिवाइड करता है। सो वी नीड टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R, दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला। So, कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि लेट आर बी, आर के कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा कॉमा बीटा। अब हम अल्फा कैसे निकालेंगे वो सुनो, मैंने अभी बताया था ऐसे क्रॉस करना है और यहां पे ऐसे। सो अगर मेरे को अल्फा निकालना है, अल्फा अल्फा इज बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस आर, सो 3:9 प्लस 1:5 डिवाइडेड बाय रेशियो एम वन प्लस एम टू, तो 3+1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज 27+5, दिस इज 4, यहां पे कितना हो गया 32/4, तो ये 8 आ गया। ठीक है, तो ये R का x कोऑर्डिनेट जो मैंने अल्फा अज्यूम किया था वो कैलकुलेट कर लिया। नाउ कैलकुलेट बीटा, y कोऑर्डिनेट ऑफ R। सो सिमिलरली 3:6 प्लस 1:-2 डिवाइडेड बाय 3+1। सो यहां पे 18-2 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है, यहां से 18, दिस इज 16/3।
हेंस हमने आर के कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा बीटा एज्यूम किए थे और अल्फा एंड बीटा को कैलकुलेट कर लिया है. अल्फा इज 8 एंड बीटा इज 16 अपॉन 3. सो दिस इज द फाइनल आंसर. राइट, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन ले लेते हैं. ठीक है, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें ये दिया है कि सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज है. क्वेश्चन टू, एक पॉइंट ए दिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3.1, पॉइंट ए इज 3.1 एंड पॉइंट बी इज -2.5. ठीक है, हमें क्या करना है बच्चों, इसी लाइन सेगमेंट एबी पे, लाइन सेगमेंट एबी पे उन्होंने बोला है कि कोई पॉइंट पी है, कोई पॉइंट पी लाई करता है, हमें इस पी के कोऑर्डिनेट्स बताने. ए इज 3.1 एंड बी इज -2.5 ये दिया है. अब हमें रेशियो चाहिए होता था, ये रेशियो तो हमें पता नहीं इस बार, तो रेशियो के लिए एक इंफॉर्मेशन दी है कि जो पॉइंट पी है इट इज 3/4 ऑफ ए बी. पॉइंट पी मींस ए पी इज 3/4 ऑफ ए बी, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन. मैं बता देता हूं, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं आपको. ए दिया ये वाला ए, बी दिया है और बोल रहे लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर एक पॉइंट पी है, दिस इज 3/4 ऑफ ए बी. ठीक, अब हमें चाहिए बच्चों ये रेशियो, हमें ये रेशियो चाहिए होता है, ये वाला रेशियो हमें चाहिए होता है, बट रेशियो तो इसमें गिवन नहीं है. तो हमने क्या किया, हमें चाहिए ये वाला रेशियो नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, एपी टू पी बी, एपी टू पी बी चाहिए, वो तो नहीं गिवन है. उसके लिए क्या करेंगे, मैंने ऐसे किया AP इज इक्वल टू, या 4 को यहां मल्टीप्लाई कर दिया, 4AP 3AB, इस AB की जगह पे क्या करेंगे, इस AB की जगह पे AB को ऐसे लिख सकता हूं मैं, AP प्लस PB, AP प्लस PB 4AP इक्वल टू 3AP प्लस 3PB. इस AP को इधर सबट्रैक्ट कर दो तो AP आ जाएगा और इधर कितना बचता है 3PB. सो AP अपॉन PB का जो रेशियो है दिस इज 3/1. सो AP इज टू PB इज 3:1. हमें ये रेशियो चाहिए था AP इज टू PB. इट मींस जो P है डिवाइडिंग 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है किसको, 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है किसको, एबी को. इंफॉर्मेशन ये गिवन था और हमें ये गिवन था, ये दोनों इंफॉर्मेशन गिवन था, डायरेक्टली रेशियो नहीं गिवन था. एपी इज 3/4 ऑफ एबी और हमें बच्चों क्या चाहिए होता है, एपी टू पीबी. तो मैंने एबी को क्या कर दिया, एपी प्लस पीबी लिख दिया, बस बाकी सिंप्लीफाई करके एपी और पीबी आ गया. अब हमें क्या करना, पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल, बहुत आसान है. सिमिलरली जो हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया, पी यहां लिख और यहां ये मल्टीप्लाई किया, तो जो पी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो ऐसे आएंगे 3 × -2 प्लस 1 × 3 डिवाइडेड बाय 3+1 एंड सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट 3 × 5 प्लस 1 × 1 डिवाइडेड बाय 3+1. हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी -6+3/4. यहां पे 15+1 16 डिवाइडेड बाय 4 कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, यहां पे आ जाएगा -3/4, 4. ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए किसके, पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी. राइट, ये तो मैंने सेक्शन फॉर्मूला लिया और सेक्शन फॉर्मूला पे बेसिकली
दो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, इसमें डायरेक्टली ए दिया था, सॉरी पी पॉइंट दिया था, क्यू पॉइंट दिया था एंड रेशियो दिया था कि आर इज अ पॉइंट विच इज डिवाइडिंग पी एंड क्यू इन द रेशियो 3:1. सो आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे. सो आर हमने अज्यूम कर लिया अल्फा कॉमा बीटा. फिर अल्फा कैसे निकालेंगे, यही क्रॉस मेथड लगा के, एंड सिमिलरली बीटा भी. तो अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा इज 8, बीटा इज 16/3, यहां रख दिया. यहां पे पॉइंट ए दिया था, बी दिया था और बोला गया था कि पी इज लाइज ऑन ए बी सच दैट ए पी इज 3/4 ऑफ ए बी. इसका मतलब है हमें रेशियो डायरेक्टली नहीं गिवन था. अगर मेरे को पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये रेशियो भी चाहिए पड़ेगा, कौन सा, ए पी इज टू पी बी. बट क्वेश्चन में दिया था ए पी और ए बी में रिलेशन, मेरे को चाहिए था ए पी और पी बी में रिलेशन. फोर को यहां मल्टीप्लाई किया, 3ab बचा और ये ab जो है इस ab को लिख दिया ap plus pb, सिंप्लीफाई कर लिया और ap equals to 3pb. तो ap upon pb is 3:1, ap upon pb is 3:1, that means p is dividing ab in the ratio 3:1. Now ratio is given, a is given, b is given, so we can calculate the coordinate of the point p by using section formula. सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज कर रहे थे हम, अगर एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो 3 × -2 प्लस 1 × 3 डिवाइडेड बाय दिस सम ऑफ दिस टू रेशियोज. नेक्स्ट वाई कोऑर्डिनेट चाहिए अगर पॉइंट पी का, तो 3 × 5 प्लस लगाया 1 × 1 डिवाइडेड बाय 3+1. ये आपका फाइनल, दोनों क्वेश्चन मैंने दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया. ये सेक्शन फॉर्मूला का यूटिलिटी है, सेक्शन फॉर्मूला का यूज है, हम कैसे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, राइट. सेक्शन फॉर्मूला पे और एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो मैं ये इरेज कर रहा हूं, ठीक है. आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं समझा, प्लीज वीडियो स्टॉप करिए एंड पहले नोट डाउन करिए, नोट डाउन करने के बाद फिर से रिमाइंड करके इसको देख सकते हैं, ठीक है. मैं थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं सेक्शन फॉर्मूला पे. सेक्शन फॉर्मूला पे जो थर्ड क्वेश्चन है, कभी कभी बच्चों ऐसे आता है कि ए एंड बी दो पॉइंट दिए होते हैं, ठीक है. मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिया है, जो सेक्शन फॉर्मूला का इन दोनों से अलग हटके एक क्वेश्चन है. सेक्शन फॉर्मूला में कोऑर्डिनेट दिए होंगे एक पॉइंट के, ठीक. वो पॉइंट है सपोज मैंने यहां पे अज्यूम कर लिया 3, -1 एंड पॉइंट बी इज -6, 5, ठीक. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, फाइंड क्वेश्चन में दिया फाइंड पी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने. और एक इंफॉर्मेशन गिवन है, क्यों, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए 3 इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, 2 पॉइंट एंड 1 इज रेशियो. इसमें रेशियो तो दिया ही नहीं है. सो रेशियो के लिए एक इंफॉर्मेशन गिवन है, इंफॉर्मेशन है कि एपी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी. इसका क्या मतलब है, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन, हमें ये वाली बात जो है वो पता है. क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये दिया है, ये दोनों चीजें भी गिवन है, हमें ये फाइंड करना है, ये वाली चीज कैलकुलेट करना. मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमें ए दिया है, ए इज 3, -1, b दिया है -6, 5. अब हमें दो पॉइंट p और q दिए हैं, कहां, ए बी के ऊपर, कि ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी. मतलब यहां पे मैं p ले लूं और यहां पे मैंने q ले लिया. अब ये वाला लेंथ ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, मतलब ये तीनों इक्वल लेंथ हैं. हमें कैलकुलेट करना है क्या, हमें कैलकुलेट करना है पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स और हमें कैलकुलेट करना है क्या, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स. दिया क्या क्या है, ए गिवन है, बी गिवन है एंड क्या क्या गिवन है पता है, q
एपी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी। ठीक, चलो अब एक चीज सुनो ध्यान से, अगर मेरे को पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट चाहिए तो ये रेशियो लिखना पड़ेगा। सेक्शन फॉर्मूला में पॉइंट एंड रेशियो चाहिए होता है। तो अगर आप देखो तो बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं, दिस रेशियो इज 1:2, दिस रेशियो इज 1:2। कहां से आया? तो पूरे लाइन सेगमेंट का ये वन पार्ट है एंड इट इज टू पार्ट, सो ये रेशियो हमने 1:2 करके ले लिया। नाउ अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला ऐसे, और हमने यहां पे सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी हम कैसे लिख सकते हैं, 1:-6 प्लस 2:3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1+2। नाउ y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट p, इसका y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे पॉइंट p का, सो 1:5 2:-1 माइनस वाला जो नंबर होता है उसको मैं हमेशा ब्रैकेट में लिख रहा हूं ताकि साइन का प्रॉब्लम ना आए आपको, देन 1+2। यहां से और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, -6+6 सो इट इज 0, 5 एंड -2 3, 3/3, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पे 0,1। ठीक है, इसके बाद हमें Q पता लगा, Q क्या है, नॉट Q, हाँ Q बेसिकली अगर आप देखोगे P तो एग्जैक्टली हमने कैलकुलेट कर लिया, अभी Q के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये 2 रेशियो है, दिस इज 1 रेशियो, तो Q डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:1, 2:1। ठीक है, सो अप्लाई दिस, 2:-6+1:3 डिवाइडेड बाय 2+1। y कोऑर्डिनेट निकालना है, q का y कोऑर्डिनेट, सो 2:5 1:-1 2+1। यहां पे ये -12 हो गया, +3 -12+3 डिवाइडेड बाय 3 एंड 10 -1 डिवाइडेड बाय 3, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इज -9/3 एंड इट इज डायरेक्टली हम लिख देते हैं -3 एंड 3। ओके, सो हमें बेसिकली P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे जो मैंने कैलकुलेट कर लिए। मैं फिर से आपको एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको परेशान नहीं होना है। A एंड B दो पॉइंट्स दिए, इस AB लाइन सेगमेंट पे हमें दो पॉइंट P एंड Q दिए, उन्हीं को कैलकुलेट करना, उनके कोऑर्डिनेट्स को, बट हमें कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने के लिए AB चाहिए होता है और रेशियो चाहिए होता है। तो रेशियो के लिए ये वाली इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB होता है, मतलब है इस क्वेश्चन के अंदर। तो मैंने यहां पे AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB बना लिया, मतलब AB को 3 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर दिया। ठीक, अब मेरे को अगर P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो मैंने P को लोकेट करके देखा कि इट इज बेसिकली 1:2, मतलब P इज डिवाइडिंग AB लाइन सेगमेंट इनटू 1:2 रेशियो। Then apply section formula. अब क्या है, हमें A पता, B पता है, and P is dividing AB in the ratio 1:2. So P के लिए section formula apply करके P के coordinates निकालिए, जो आ गए 0,1. Similarly Q का location देखा, तो Q is basically dividing AB into 2:1 ratio. So फिर से section formula लगाया Q के लिए, and Q is dividing A:B in the ratio 2:1. So, ये फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगा के हमने P और Q कैलकुलेट कर लिया। स्टॉप कर सकते हैं बच्चों, अभी तक हमने 3 questions बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला पे किए हैं, 3 or 4 questions। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हम एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो कुछ ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें कि सेंटर ऑफ द सर्कल इज गिवन, ठीक है, एंड दी
नेक्स्ट हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि सर्कल इज पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स. सो बेसिकली दिस इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला. सो बेसिकली वी आर एलिमिनेटिंग दिस क्वेश्चन एंड मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशियो हमें निकालना पड़ेगा. कई क्वेश्चंस में ऐसा होगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो सकता रॉन्ग हो, बट मैं आपको एक चीज समझाता हूं, वो सीखो ठीक. अभी हमने, मैं आपको मोटा मोटा एक चीज बताता हूं बच्चों, कि पहले मेरे को ए दिया था, सुनना ध्यान से, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए थे, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए थे ठीक, और यहां पे मेरे को पॉइंट सी चाहिए था, सी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, और मेरे को गिवन क्या था, दिस एम वन इज टू एम टू. मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं. ए दिया होता था, बी दिया होता था, ये रेशियो दिया होता था एंड हम सी निकालते थे. इस टाइप इस बार क्वेश्चन में क्या हुआ, हमें ए दिया है, सी दिया है और बी दिया है, ये रेशियो निकालना. इस टाइप के भी प्रॉब्लम्स बनते हैं इस चैप्टर में, सेक्शन फॉर्मूला में, कि हमें ए दे देगा, बी दे देगा, सी दे देगा और रेशियो निकालने के लिए बोलेगा. सो कॉन्सेप्ट समझो ठीक है. सो ऐसे क्वेश्चन लिखा है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4.6, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, -4.6 एक पॉइंट है ठीक है, एंड सॉरी द पॉइंट -4.6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए -6.10 ए -6.10 एंड बी बी इज 3.-8. मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, बस सुनो ध्यान से. क्वेश्चन ये बेटा कि लाइन सेगमेंट एबी को, लाइन सेगमेंट एबी को, ये ए बी लाइन सेगमेंट मैंने ज्वाइन कर दिया, दोनों पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी मिल गया. ए के कोऑर्डिनेट्स मेरे को गिवन है -6.10 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स है 3.-8. अब मेरे को ये बोला जा रहा है, ये जो पॉइंट है, चलो इसको, इसका भी नाम दे देते हैं, इसको नाम नहीं दिया बुक में, इसका नाम दे देते हैं, ये पॉइंट सी है. सो ये सी बेसिकली क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो हमें चाहिए. दिस सी इज -4.6. व्हाट इज द रेशियो इन विच सी डिवाइड्स ए बी, प्लीज लिसन टू क्वेश्चन. सी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन व्हाट रेशियो, मतलब हमें सी का, सी बताना है कि सी इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है. जब भी आपको सेक्शन फॉर्मूला में रेशियो निकालने की बात आएगी तो आप क्या करोगे कि हमेशा रेशियो विल कंसीडर के इज टू वन. क्या लोगे बच्चों, के इज टू वन रेशियो हम कंसीडर करेंगे ऑलवेज, हमने के इज टू वन ले लेना है. अब क्या करना है हमें, ये भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमें क्या करना है, अज्यूम कर लेना है कि रेशियो के इज टू वन है और सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं के के टर्म्स में. सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं के के टर्म्स में. तो हमने क्या किया, सी के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए के के टर्म्स में. कैसे, 3k, ऐसे आपको पता होगा, ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, क्या रहेगा 3k एंड इस 1 × -6 इज -6/k+1. नाउ यहां पे क्या हुआ, y कोऑर्डिनेट के लिए k × -8, सो -8k और 1 × -10 k+1. ये हमारे पास c के कोऑर्डिनेट्स आ गए k के टर्म्स में, बट बेसिकली c के कोऑर्डिनेट्स तो हमें गिवन थे, क्या था c के कोऑर्डिनेट्स, -4.6 ये था. अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनो, c के कोऑर्डिनेट्स ये भी हैं और ये भी c के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो एक ही पॉइंट के अगर दो कोऑर्डिनेट्स हैं तो इसका x कोऑर्डिनेट इसके बराबर होगा
और इसका वाई कोऑर्डिनेट इस वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें के निकालना है। सो के निकालना है, सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 3k माइनस 6 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 4। सो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3k माइनस 6 माइनस 4 k प्लस 1। यहां से सिंप्लीफाई करते हैं, 3k माइनस 6 इक्वल टू माइनस 4 के माइनस 4। ये 4 के इधर शिफ्ट करते हैं, कितना हो जाएगा 7k, और ये 6 पॉजिटिव हो जाएगा 2, सो यहां से k आ जाएगा, इट इज 7/2। हेंस हम ये लिख सकते हैं क्या कि रेशियो मैंने क्या लिया था, k:1। चलो ऐसा कर लेते हैं, k की वैल्यू आ गई 7/2, 7/2, तो k:1 हम क्या लिख सकते हैं, 7:2। सो बेसिकली हेंस हम ये लिख सकते हैं क्या बच्चों, ठीक है, c डिवाइड्स, c मतलब -4, 6 डिवाइड्स a -6, 10 -6, -10 एंड बी 3, -8 इन द रेशियो 7:2 इंटरनली। इंटरनली क्यों बोला, ठीक है, जब भी आप k निकालोगे, ये वाला जब भी आप k निकालेंगे एंड k अगर पॉजिटिव आता है तो बेसिकली क्या होगा कि जो पॉइंट है c, इट इज डिवाइडिंग ए बी इंटरनली। अगर ये k सपोज ऐसा आ जाता, मैं ये पॉइंट यहीं पे इंक्लूड कर दे रहा हूं इंटरनली और एक्सटर्नली वाला, अगर k आ जाता -7/2, तो दिस माइनस साइन इंप्लाइज कि c divides AB in the ratio 7:2 external। इस नेगेटिव साइन का मीनिंग सिर्फ इतना होता है कि बेसिकली अगर यहां k आ जाता नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन सिर्फ आपको यह बताता है कि जो रेशियो है ये वाला c, ये c AB के बाहर लाई करता है, और बाहर लाई करता है, इसीलिए हम क्या लिख देते हैं कि c divides, सेम रेशियो सेम रहेगा, आंसर इज सेम 7:2, बट इट डिवाइड्स एक्सटर्नली। अगर नेगेटिव साइन आ जाता तो हम इस चीज से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई जो c है ना वो ab के बीच में नहीं लाई कर रहा, बाहर लाई कर रहा है। अगर पॉजिटिव आ गया तो ab के बीच में c कहीं पे लाई कर रहा होगा, बस इतना सा डिफरेंस है। सो इसीलिए मैंने यहां इंटरनली मेंशन किया बिकॉज k इज पॉजिटिव, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले सकते हैं बच्चों, आपको अगर ये और एक बार समझना है तो मैंने फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूं एक बार, मेरे को ए दिया था, बी दिया था एंड ये पॉइंट सी दिया था, और ये पॉइंट सी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने क्या बोला बच्चों आपको, अगर रेशियो निकालने की बात आए तो एज्यूम द डीसी पॉइंट इज डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो k:1, k:1 रेशियो ले लो एंड इस सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो इन टर्म्स ऑफ के, एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन भी होंगे। अब एक ही पॉइंट्स के दो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके इक्वल कर दो, तो यहां से के कैलकुलेट कर लो। अगर के पॉजिटिव आ रहा है तो ये पॉइंट सी ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 7:2, अगर के नेगेटिव आ रहा है तो ये पॉइंट सी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 7:2, राइट। ये हमने नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सीख लिया। सेक्शन फॉर्मूला में अगर रेशियो कैलकुलेट करना हो कि ये गिवन पॉइंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सो वो रेशियो कैसे निकालते हैं वो मैंने सिखाया, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट हम और एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है, थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
और अच्छे क्वेश्चंस में ऐसे करके कुछ दिया है, मैं आपको बता दूं, एक पॉइंट है 4.2 एंड दूसरा पॉइंट है 3.-1। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा हूं, हो सकता है ये नंबरिंग गलत हो बट आप तरीका समझो, क्या बोला जा रहा है, दो पॉइंट दिए, देर आर टू पॉइंट, वन पॉइंट इज 4.-4.2, सो सपोज ए इज 4.2, एक पॉइंट दिया 4.2, एंड पॉइंट बी दिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3.-5। ठीक है, ये दो पॉइंट्स को ए बी किस रेशियो एक्स एक्सिस डिवाइड करके निकल गया, वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, मेरे को पॉइंट ए दिया है, पॉइंट बी दिया है, इस पॉइंट ए और पॉइंट बी को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो मैं बता देता हूं आपको कैसे। मैंने क्या किया, ये लाइन सेगमेंट ए बी बनाया, दिस इज ए 4.2 एंड बी 3.-5। याद रहे बच्चों, ये भी क्वेश्चन सेम है, हमें रेशियो निकालना है, मतलब ए बी लाइन सेगमेंट में को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। सो सपोज एक्स एक्सिस कट कर रहा है, इस पॉइंट को हम सी बोल देते हैं, एंड हमें यह बताना है कि ए सी टू सी बी क्या है, मतलब ये एक्स एक्सिस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सो हमें यह बताना है। सो बेसिकली मैंने फिर से बोला रेशियो की बात आएगी, कंसीडर ऑलवेज वन केस टू वन। आपको बच्चा बोले सर के इधर लिख सकते हैं, वन इधर, बिल्कुल लिख सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं। ठीक है, और बच्चों एक चीज बहुत क्लियर है, सिंस जो पॉइंट सी है ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, अगर ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट पक्का जीरो आने वाला है, एंड एक्स कुछ ना कुछ होगा, तो मैंने अज्यूम कर लिया इट इज लाइक अल्फा कॉमा जीरो। क्यों ये अल्फा कॉमा जीरो क्यों लिखा, क्योंकि ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, ऑन एक्स एक्सिस, सो ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज जीरो। सो अब हम के कैसे निकालें, सिमिलर सेम सी के कोऑर्डिनेट्स निकालो के टर्म्स में, कैसे निकालेंगे, इस के को यहां भेजो, इस वन को यहां, सो सी के कोऑर्डिनेट्स निकाले 3k एंड 4, 1 × 4, सो इट इज 4 अपॉन k प्लस 1, k × −5, सो इट इज −5k, 1 × 2, इट इज 2, सो दिस इज k प्लस 1, ये आ गया c इक्वल्स टू, c इज अल्फा कॉमा 0, ये पहले से c दिया था। अब मैंने अभी आपको बताया मेरे को k निकालना है, k निकालने के लिए यहां पे क्या करो, ये वाला जो x कोऑर्डिनेट है ये अल्फा के बराबर होगा, ये वाला जो y कोऑर्डिनेट है ये जीरो के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि c, ये c के कोऑर्डिनेट्स और ये भी c के हैं, तो अगर ये c के कोऑर्डिनेट सेम ही होंगे ना, ये x इस x के बराबर होगा, ये y इस y के बराबर होगा, तो मैंने क्या किया, इस y को इसके बराबर रख दिया, किसके बराबर, जीरो के बराबर। तो मैंने क्या किया, टू कैलकुलेट k, −5k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 0 में चला जाएगा, k प्लस 1 −5k प्लस 2 इक्वल टू 0, सो 5k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2 अपॉन 5, ये पॉजिटिव आया, क्या पॉजिटिव आया, k की वैल्यू, दिस इंप्लाइज कि x एक्सिस ab को इंटरनली डिवाइड कर, x एक्सिस ab को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, सो यहां पे क्या हो जाएगा, एंड रेशियो, हेंस x एक्सिस डिवाइड्स ab इंटरनली इन रेशियो 2:5। ठीक है, सो हमें रेशियो चाहिए था कि एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो डिवाइड कर रहा है 2:5।
ठीक है, ये बच्चों एक टाइप का क्वेश्चन था, और एक दो क्वेश्चन हम ले सकते हैं अगर आपको समझना है तो। हमें सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है, यूजुअली बोर्ड्स में खूब पूछते हैं कि हमें उन्होंने क्या किया, एक पैरेललोग्राम दे दिया, मतलब पैरेललोग्राम के 3 वर्टाइसेस दे दिए और हमें 4th वर्टेक्स निकालना, ए बी सी एंड डी। ठीक है, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूं, मेरे को ए दिया है, बी दिया है, डी दिया है एंड सी मेरे को कैलकुलेट कर। ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी पूछते हैं। एंड अभी मैं आपको बता दूं, जो ए दिया है दिस इज 10, -6, 10, -6। जो बी दिया है इट इज 2, -6, 2, -6। एंड जो सी दिया है वो हमें कैलकुलेट करना है। एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -2, 4, -2 डी दिया है, मेरे को सी कैलकुलेट करना है। सो अगर हमें सी कैलकुलेट करना है, ये मैं फिर से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर पैरेललोग्राम के कोई भी 3 वर्टाइसेस दिए, कोई भी 3 वर्टेक्स दिए, वर्टाइसेस दिए और 4th निकालना है, तो बहुत आसान है। जो 4th वाला वर्टेक्स है उसको एज्यूम कर लो लाइक अल्फा कॉमा बीटा। अब हमें क्या करना है, ये अल्फा और बीटा निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है। सो क्या करना पड़ता है, एज यू नो द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसका क्या मतलब है भाई, इसका ये मतलब है कि अगर मैं इसका एक डायगोनल निकाला मैंने एसी और इसका एक डायगोनल निकाला बीडी एंड दोनों कहां पे मीट कर रहे हैं, ओ पे। इसका मतलब है कि एसी एंड बीडी का जो मिड पॉइंट है वो ओ आएगा, मतलब वो सेम आएगा, दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। दैट मींस एसी का मिड पॉइंट भी ओ है और बीडी का मिड पॉइंट भी ओ है। तो मैंने पहले एसी यूज करके ओ के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। आपको पता होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट ऑफ एसी इज ओ और ओ के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए क्या, x1 + x2, सो 10 + α/2 एंड -6 + β - 6 + β/2 ऐसे लिख लिया। किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए बच्चों, ये ओ के। कैसे आए, इन दोनों में मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2 मिड पॉइंट ऑफ बीडी, बीडी का भी मिड पॉइंट जो है ओ है। अब ओ के कोऑर्डिनेट फिर से निकाली बीडी को यूज करके 2 + 4 / 2 मतलब x1 + x2 / 2 -6 - 2 / 2। सो ये कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए 6/2 = 3 -8/2 - 4। हुआ क्या बच्चों, ये भी ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये भी ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो। सो मैंने इन दोनों को इक्वल रख दिया, क्या भाई 10 + α/2 ठीक इक्वल। सो इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके एक्स के बराबर हो जाएगा, इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, तो इट इज 3। इसका वाई कोऑर्डिनेट इसके वाई के बराबर हो जाएगा, -6 + β / 2 इक्वल्स टू -4। यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 3 का कितना हो गया 6, 10 + α = 6। यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -4। आगे इसके लिए क्या आ जाएगा, यहां पे -6 + β = 2 4 - 8 एंड बीटा इक्वल्स टू इधर सम करोगे तो ये आ जाएगा -2। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज अल्फा कॉमा बीटा लिया था हमने, नॉट डी सी।
सी हमने अल्फा कॉमा बीटा लिया था, अल्फा की वैल्यू हमने निकाली है कितनी आई -4 और बीटा कितना आया -2। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एमएल अग्रवाल बुक फॉलो किया है और बेसिकली आप एस चंद या फिर सेलेना का बुक फॉलो करिए, और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है रिलेटेड टू दिस सेक्शन फॉर्मूला, सो बेसिकली आप डिस्क्रिप्शन में मींस सजेशन में हमें क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, सो सच दैट हम आपका आंसर कर पाए। थैंक यू वेरी मच।